हेलो वालेकुम वेलकम बैक टू माय चैनल एस वी देवरानी सो आज हम आपके साथ जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग मिसिंग सेंट्रल इन उसमें हम दो तीन चीज़ें डिस्कस करेंगे आ, जैसे कि क्वेश्चंस हो गए लाइक अक्लूजल फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड और उसके अलावा हम इसमें ट्रीटमेंट ऑप्शन आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे आप कौन कौन से ट्रीटमेंट ऑप्शन दे सकते हैं उसके बाद कंसिड्रेशन आपकी क्या होंगी और इसी में ही अगर आप एक इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं डेंटल लैब को रिगार्डिंग एस्थेटिक तो आप उनको क्या क्या इंस्ट्रक्शंस देंगे ठीक है जैसे कि हमें पता है कि Uh, कोई भी टुथ uh, मिसिंग होता है आपका सेंट्रल इंसाइजर हो लेटर इंसाइजर हो कैनाइन हो तो हम लोग जो है ट्रीटमेंट प्लान जो करते हैं वो उसके अकॉर्डिंग ही करते हैं तो हम uh, अलग अलग डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग लेटर इंसाइजर को अलग किया जाएगा कैनाइन को अलग किया जाएगा और सेंट्रल इंसाइजर को अलग किया जाएगा जैसे कि आज मेरा टॉपिक है वो रिगार्डिंग मिसिंग सेंट्रल इंसाइजर है जो पहला पहला मेरा क्वेश्चन है उसमें वो ये है कि आप अबर्डमेंट कौन कौन से इन्वॉल्व करोगे ठीक है ये क्वेश्चन लाइक सेंट्रल इंसाइजर और लेटरल इंसाइजर उसके बाद आप अक्लूजल फैक्टर्स जो है वो कौन कौन से कंसिडर करेंगे उसमें आ गया ओवर जेट ओवर बाइट आप देखोगे कंडीशन ऑफ एडज देखोगे अपोजिंग स्टेटस देखोगे अपोजिंग आर्च देखोगे पेरोडल स्टेटस ऑफ एडजस्टेंट टूथ देखोगे अक्लूजल स्कीम देखोगे अपोजिंग आर्च हाइजीन देखोगे पेशेंट की क्या है ठीक है ये कुछ फैक्टर्स हैं आप अकलूजल uh, फैक्टर्स जिसको बोलते हैं तो क्वेश्चन इसका ऐसे होता है कि अकलूजल फैक्टर्स टू बी कंसीडर ठीक है उसके बाद जो है uh, नेक्स्ट uh, क्वेश्चन जो आ जाता है वो है रिगार्डिंग ट्रीटमेंट ऑप्शन तो इसमें uh, कौन कौन से ट्रीटमेंट ऑप्शन दे सकते हैं मिसिंग सेंट्रल एंडसाइजर में हम दे सकते हैं फाइबर रीन फोर्स दे सकते हैं रेजन बॉन्ड ब्रिज दे सकते हैं कैंटिलेवर दे सकते हैं कन्वेंशनल फिक्स पार्शल डेंचर इम्प्लान मतलब पाँच ऑप्शन uh, हैं आपके पास मिसिंग सेंट्रल एंडसाइजर में ठीक है उसके बाद कंसिड्रेशन क्या क्या होंगे आप अपार्टमेंट स्टेटस देखोगे लोकेशन देखोगे पेरेंटल uh, स्टेटस देखोगे कोई रेस्टोरेशन तो नहीं है वो देखोगे लाइक प्रीवियस रेस्टोरेशन एनी ओल्ड रेस्टोरेशन या कोई कैरियस टुक तो नहीं है पॉन्टिक uh, स्पेस देखोगे मिजो डिजिटल स्पेस फेशोलिंग विथ ये सारी आप देखोगे कोई रिच डिफेक्ट तो नहीं है ये सारी आप के माइंड में होनी चाहिए बिफोर प्लानिंग फॉर मिसिंग सेंट्रल साइजर ठीक है उसके बाद अगर इंस्ट्रक्शंस की बात की जाए तो इंस्ट्रक्शंस आप क्या क्या देंगे टू द डेंटल लेबॉर्ट्री आप शेड का बताएंगे पेशेंट फोटोग्राफ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आप उसको वो देंगे माउंटेड कास्ट देंगे इंटरक्टूजल रिकॉर्ड्स देंगे और मटेरियल स्पेसिफ़िकेशन के बारे में आप बताएंगे पॉन्टिक डिज़ाइन नंबर ऑफ़ पॉन्टिक मतलब कितने आपको रिप्लेस करने हैं आप मार्जिन के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे कोई प्रीवियस अगर रेस्टोरेशन है वो आप भेज सकते हैं डायग्नोस्टिक वैक्सअप Uh, जो है वो आप uh, कन, मतलब डेंटल लेबोरेटरी को बेच सकते हैं आपकी जो कम्युनिकेशन है विथ लेबॉर्ट्री वो अच्छी होनी चाहिए ठीक है उसके बाद आप स्माइल लाइन मिड लाइन स्माइल आर्ज गोल्डन प्रोपोशन बकल कॉरिडोर जीनेत पॉइंट ये कुछ पैरामीटर्स हैं uh, स्थेटिक के वो इम्पॉर्टेंट है वो आप बता सकते हैं ठीक है तो uh, मतलब इसमें uh, मैंने सिर्फ आपको क्वेश्चंस बताए हैं कि ये ये क्वेश्चन uh, हैं मिसिंग सेंट्रल इन्साइजर में अगर मिसिंग लेटरल इंसाइजर की बात की जाए तो उसमें अलग ऑप्शन होते हैं मिसिंग कैनाइन अगर uh, बात की जाए तो उसमें अलग होते हैं लेकिन कैनाइन में जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं ना ऑप्शन तो आपकी वही ट्रीटमेंट ऑप्शन वही हो गए आपके लेकिन इसमें जो कैनाइन जब आपको रिप्लेस करना होता है तो उसमें फिक्स जो होता है ना वो फेवरेबल नहीं होता है ठीक है क्योंकि उसमें ना हम मल्टीपल अबर्टमेंट को इन्वॉल्व करते हैं अगर कैनाइन की बात की जाए तो उसमें प्रॉब्लम्स uh, पूछे जाते हैं अगर कैनाइन मिसिंग uh, है तो फिर प्रॉब्लम्स क्या क्या होंगे uh, दो uh, उसमें प्रॉब्लम ये होगी कि ये जो टुथ है इट्स कॉम्प्लेक्स बिकॉज कैनाइन टुथ लाइज आउटसाइड द इंटर अबर्टमेंट एक्सेस और एजेस्टेंट टुथ होता है लेटर एनसाइजर विच इज़ वेरी वीक तो इसलिए uh, और जो है इट्स सब्जेक्ट टू मोर फोर्सेज बिकॉज इट फॉर्म द कर्व ऑफ आर्च एनास्थेटिक स्माइल ये भी एक प्रॉब्लम है ठीक है और टुथ uh, इन्वॉलमेंट जो प्रिपरेशन में हम करते हैं वो मल्टीपल अबर्टमेंट की करते हैं ये भी एक प्रॉब्लम है तो uh, अगर कैनाइन की बात की जाए तो उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं तो मोस्टली प्रॉब्लम्स ही पूछे जाते हैं तो मैं आप लोगों को पांच प्रॉब्लम फिर से बता देती हूँ वो कौन कौन से हैं नंबर वन इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स बिकॉज टुथ लाइज आउटसाइड द अबर्टमेंट एक्सेस नंबर टू एडजस्टन टुथ इज लेटल इनसाइजेड विच इज़ वेरी वीक सो टुथ इन्वॉलमेंट इन प्रिप्रेशन आर मल्टीपल अबर्टमेंट एंड इट सब्जेक्ट टू मोर फोर्सिस बिकॉज इट फॉर्म द कर्व ऑफ आर्ट एंड एनस्थेटिक्स माइल ठीक है ये प्रॉब्लम होते हैं माइल रिप्लेसिंग द केनाइन इसमें ट्रीटमेंट ऑप्शन सेम ही है. आपका एम्पलाट हो गया रिमूवल पार्शल टेंचर हो गया रेजन बॉर्डर हो गया फाइबर री इनफोर्स हो गया कैंटिलीवर हो गया बट फिक्सड इज नॉट फेवरेबल ठीक है फिक्सड फेवरेबल नहीं है बिकॉज ऑफ इन्वॉलमेंट ऑफ मल्टीपल अबर्टमेंट जी तो बस यही था आज की इस वीडियो में कि अगर मिसिंग सेंट्रल इंसाइजर या मिसिंग लेटर इंसाइजर हो या केनाइन हो तो उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं क्वेश्चंस की तो सेंट्रल इंसाइजर की भी मैंने बता दी और लेटर की वही सेम होती है जो सेंट्रल की है बाकी केनाइन का मैंने आपको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता दिया वो था रिगार्डिंग प्रॉब्लम और ये बता दिया कि आप फिक्स प्लान नहीं कर सकते तो इसके अलावा जो है कोई ऐसा है नहीं अगर पोस्टीरियर का भी कोई आया होगा तो मैं आपको बता दूंगी लेकिन सेंट्रल इन साइज और कैनाइन का मोस्टली कॉमनली uh, ये पूछा जाता है चलें जी तो आई होप कि आप लोगों को uh, थोड़ी बहुत मेरी वीडियो से हेल्प मिल रही होगी uh, और इनशाला मैं वीडियोस स्लो स्लोली अपलोड करती जाऊंगी आप लोगों के लिए आप जो है जब तक मेरे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें अगर वीडियोस अच्छी लगती हैं कमेंट करें उसके अलावा जो है आप लोगों को जो भी क्वेश्चंस पूछने हैं, वो पूछें और जो आप चाहते हैं टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं वो टॉपिक आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएं तब तक मेरे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और कमेंट करें अल्लाह हाफ़